आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में। अगर आपने भी 10वीं या फिर 12वीं पास आउट कर लिया है तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना के तहत सभी छात्रों को 3,000 दो बार और 5,000 एक बार दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे, कौन कौन लोग यहां पर जो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह गवर्नमेंट योजना की अपडेट मिलती रहे। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कौन कौन लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो यहां पर जो बताया गया है। तो दोस्तों कक्षा 10 की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर रहे कक्षा 11वीं या फिर 12वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को देय है। अगर आप दोस्तों यहां पर कक्षा 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, आपका जो प्रतिशत है वो 75% से ऊपर है और आप यहां पर 11वीं 12वीं में यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों बताया गया कि कक्षा ने यानी कि 10वीं में आपका न्यूनतम जो है वो 75% अंक प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यहां पर आपका जो 11वीं 12वीं में यानी कि पढ़ाई आगे की पढ़ाई भी कर रहे हो तभी करके आपको इसका लाभ मिल पाएगा। साथ ही यहां पर छात्रा के अभिभावक को आय, व्यवसाय एवं जाति वर्ग आदि का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि ये सब आपको देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको यहां पर कितना लाभ दिया जाएगा वो भी यहां पर बताया गया है। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको दो किस्तों में यहां पर जो पैसा मिलने वाला है। कक्षा 11वीं में देख पा रहे कि 3,000 रुपए यहां पर आपको प्रथम किस्त यहां पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और कक्षा 12वीं में देख पा रहे कि जब आप चले जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए यहां पर जो ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों टोटल आपको 6,000 रुपए का यहाँ पर जो लाभ मिलता है। इसके लिए देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका की प्रति यहाँ पर होनी चाहिए, बैंक पासबुक की प्रति होनी चाहिए और यहाँ पर जन आधार नंबर या फिर आधार नंबर आपके यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपने यहाँ पर जो 12वीं पास आउट कर लिया है तो उनके लिए भी यहाँ पर यह स्कीम लागू होता है। उनको यहाँ पर जो बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत यहाँ पर जो लाभ दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों 12वीं यहाँ पर पास आउट कर लिए हैं और आपका जो अंक है वो परीक्षा में 75% से ऊपर है तो दोस्तों आपको प्रति एक बार में 5,000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में यहां पर जो ट्रांसफर किए जाएंगे जो कि इसी स्कीम के तहत आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है जो कि इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कई सारे यहां पर हाईलाइट में ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो इनके बारे में आप यहां पर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि यह योजना क्या है, किन किन लोगों को यहां पर जो लाभ दिया जाता है। इनके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए नीचे यहां पर देखिए पूरी डिटेल दी गई है कि किन किन लोगों को यहां पर जो लाभ मिलता है। तो दोस्तों नीचे आएंगे तो इस योजना के बारे में यहां पर जो पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं कि कक्षा 12वीं के लिए बताया गया है उनको भी यहां पर 75% यहां पर जो होना चाहिए यानी कि अंक प्राप्त होना चाहिए, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनको एक बार में देख पा रहे कि 5,000 रुपए की राशि यहां पर जो दी जाएगी। और साथ ही यहां पर जो 11वीं में आते हैं उनको यहां पर जो प्रथम किस्त के लिए यहां पर देखिए बताया गया है जो कि प्रथम किस्त में देखिए बताया गया कि 3,000 आप लोगों को दिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप यहां पर द्वितीय किस्त के लिए अप्लाई करेंगे जो कि 12वीं में चले जाएंगे तो भी आप यहां पर 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि आप लोगों को टोटल 6,000 रुपए के यहां पर जो लाभ मिलता है। तो बात करते हैं कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आ जाना है। यहां पर आप जैसे ऊपर आएंगे तो आपको देखिए तीन तीन यहां पर आपको लिंक दिया गया है। सबसे पहला देख पा रहे कि गार्गी पुरस्कार कक्षा पहली किस्त के लिए जो यहां पर 2023 और 24 में यहां पर पास आउट हुए हैं वो लोग यहां पर जो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहां पर कक्षा 10वीं में पास आउट कर चुके हैं 2023-24 सेशन में तो दोस्तों आप यहां पर पहली किस्त के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप यहां पर दूसरी किस्त के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यही दोस्तों अगर आप यहां पर 12वीं पास आउट कर चुके हैं 2023-24 में तो दोस्तों 12वीं पास वाले जो छात्र है वो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर जो अप्लाई करेंगे उनको एक बार में 5,000 रुपए की राशि यहां पर जो मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप यहां पर 10वीं पास आउट किए हैं पहली किस्त के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर मैं यहां पर क्लिक करता हूं। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार यहां पर जो फॉर्म खुल करके आ जाता है और यहां पर जो पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से आपको यहां पर जो फॉर्म भरना है। जैसे कि यहां पर देखिए बताया कि आवेदक के समय आपके पास यानी कि अभ्यर्थी का जन आधार विवरण हो एवं उनके अभ्यर्थी का नाम एवं जन्मतिथि सही हो। अगर आपका दोस्तों गलत है तो आप अपना जन आधार कार्ड यहां पर जो सही करवाएंगे क्योंकि उन्हीं के डिटेल के अनुसार यहां पर आपका जो फॉर्म भरा जाएगा। तो यहां पर देख पा रहे कि बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी का नाम एवं जन्म दिनांक जन आधार में सही
नहीं है तो अभ्यर्थी अपना जन आधार सही कराएं एवं उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बताया गया है, आवेदन करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले छात्रा का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जो भी स्टूडेंट होगा उनका नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे, जैसा आपका जन आधार कार्ड में या जैसा आपका यानी कि सर्टिफिकेट में है मार्कशीट में, तो वो आप यहाँ पर जो नाम टाइप करेंगे। पिता का नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे, माता का नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उनके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में 10th का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ पर जो है टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, एक ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर जरूर देना है। उनके बाद आपको प्रमाणीकरण करें इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यानी कि अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण का प्रकार, अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट पीवीटी स्कूल एंड स्टूडेंट अगर आपके पास एसआरएन नंबर है तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आपके पास स्टूडेंट एनआईसी आईडी है तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस यहाँ पर प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। तो इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपसे देखिए विद्यालय का प्रकार पूछा जाएगा, इस प्रकार का आपका यहाँ पर विद्यालय है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए राजकीय विद्यालय यानी कि स्कूल शिक्षा है, या फिर राजकीय विद्यालय संस्कृत शिक्षा है, या फिर राजकीय मॉडल विद्यालय है, राजकीय निजी विद्यालय, तो इस तरीके से आप वहां पर जो सिलेक्ट कर लेना है। उनके बाद यहाँ पर आपको जिला बताना है, ब्लॉक बताना है, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो भी विद्यालय होगा आप उनको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एसआर नंबर वो भी आप वहां पर फिलअप करना है। स्टूडेंट एसआर नंबर आपके स्कूल कॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड करा जाता है, तो आप वहां से लेकर के इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर स्टूडेंट एसआर नंबर को फिलअप करेंगे। देन उसके बाद अभ्यर्थी का वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय प्रमाणीकरण करें इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन आधार का विवरण देना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप जन आधार वाले ऑप्शन पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अभ्यर्थी को अपने खाते में राशि लेनी है तो जन आधार में अपना अकाउंट नंबर अपडेट कराए तथा जन आधार नंबर के साथ अपना जन आधार मेंबर नंबर भी डाले। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका जन आधार नंबर होगा वो आप यहाँ पर जन आधार नंबर को टाइप करेंगे, जो भी यहाँ पर जन आधार मेंबर होगा उनका नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। उनके बाद जन आधार प्रमाणीकरण करें इस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा खाते का प्रकार, तो अगर आप यहाँ पर खुद का यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं यानी कि स्टूडेंट का खुद का ही है तो यहाँ पर सेल्फ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी खाता धारक का नाम होगा खाता धारक का नाम टाइप करेंगे, आईएफएससी कोड टाइप करेंगे, बैंक अकाउंट का क्या नाम है वो टाइप करेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है तो बैंक का जो भी नाम होगा वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा खाता संख्या वो इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे, देन खाता संख्या डाल करके दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे, आपका जो भी बैंक का शाखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जन आधार कार्ड में जो भी फैमिली ऑफ हेड है उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फैमिली हेड जन आधार, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके जन आधार का फैमिली हेड होगा उन्हीं के बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो पैसा जाएगा। अगर आप खुद के बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो सेल्फ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूरा यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल देना है। सभी डिटेल देने के बाद नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फाइनल सेव करें, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है। बाद आपको आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।